इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बता रहा हूँ पार्ट बी एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पार्ट बी। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद। नंबर 7 में यहाँ पर कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने 6 तक क्वेश्चन आपको करा दिए थे, आज मैं 7 वाला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 7 क्वेश्चन लिख रखा है। पिछली वीडियो में मैंने 3.3 की पार्ट ए में 6 तक करा दिए थे या 7। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें करना क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 10th के कुछ फॉर्मूलों को देखेंगे। देखिए यहाँ पर टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी की फॉर्म लगी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन। ठीक है, एक ये फॉर्मूला यूज होगा और एक ये होगा टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन अपॉन 1 प्लस टेन ए। ठीक है, ये दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे। आइए क्वेश्चन को उतारते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में टेन वाई बाई फोर प्लस अपॉन टेन वाई बाई फोर। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे टेन ए प्लस बी की फॉर्म सबसे पहले, तो ये हो जाएगा टेन वाई बाई फोर प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब इसको उठाएंगे, इस नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, तो टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टेन पाई बाई फोर फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू फोर पहला चौथा दूसरा तीसरा, तो टेन पाई बाई फोर होता है 1, 1 प्लस टेन एक्स और 1 माइनस टेन अपॉन। अब इसको भी करेंगे, टेन पाई बाई फोर होता है 45, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, पहला चौथा और दूसरा तीसरा, तो पहला चौथा हो गया 1 प्लस टेन एक्स का स्क्वायर, या मैं अलग अलग लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, और 1 माइनस टेन एक्स और 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का। ठीक है, यही हमें प्रूव करके लाना है। आपको इन दोनों फॉर्मूलों को लर्न करना है अच्छे से। जब तक आप करेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कैसे समझ में आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया, ये हमारे पास आर एच है हमें नहीं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर मैंने आठवां क्वेश्चन लिख रखा है, कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए पाई होता है 180। अब यहाँ पर मैं बना ले रहा हूँ जरा, और मुझे बताते चलना कि क्या आएगा। 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, कॉस 180 प्लस थीटा, ये लिखा है कॉस 180 प्लस थीटा। अब 180 यहाँ तक है और 180 में कुछ जुड़ रहा है, तो 10 में आएगा। बात समझ में आ रही है ना, 10 में आएगा। अब 10 का घर है और बेटा कौन है, कॉस, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और 90 बदलता है और 180 नहीं बदलता, तो क्या होगा, 180 बदलेगा नहीं तो कॉस ही रहेगा। लेकिन रहेगा कैसा,
कॉस बेटा किसके घर में, टेन के घर में बैठा है, टेन कॉट के, तो ये माइनस हो जाए। अब एक फॉर्मूला यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर तीन फॉर्मूले हैं, साइन मैं आपको बता दूँ, साइन माइनस थीटा होता है तो साइन थीटा आता है माइनस का, लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, और टेन में माइनस थीटा आता है तो माइनस टेन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। चलिए अब ये लिखा है साइन 180 माइनस थीटा, अब 180 कहाँ तक है, इसी में, और एस का मतलब क्या होता है, साइन और कोसेक, ठीक है ना। यानी साइन अपने ही घर में बैठा है तो साइन कैसा रहेगा, प्लस का, और 180 नहीं बदलता तो साइन एक्स रहेगा, ठीक। अब कॉस 90 प्लस थीटा, 90 तक तो यहाँ तक है, लेकिन हम 90 प्लस थीटा में बात कर रहे हैं तो हम इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, इसमें क्या है साइन और कोसेक, क्या है साइन और कोसेक, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, और घर किसका है साइन का, और बैठा कौन है कॉस, तो कॉस कैसा होता है, 90 बदल जाता है, पहली बात 90 बदल जाता है तो कॉस बदलता है साइन में, लेकिन कॉस साइन में जरूर बदलेगा, लेकिन साइन है यहाँ पर, साइन के घर में बैठा कौन है कॉस, तो कॉस हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ये आ गया साइन एक्स, अब ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये मैंने आपको सामने बनाया है, आपको ये समझ में आ रहा है, करने की कोशिश करें फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर रखें, मैं आगे इस तरह की वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को शेयर कर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, देखिए यहाँ पर मैंने नौवा क्वेश्चन लिखा है, नाइनवा क्वेश्चन, इसमें लिखा है कॉस 3π/2 प्लस एक्स कॉस 2π प्लस एक्स, ब्रैकेट में 3π/2 माइनस एक्स कॉस 2π प्लस एक्स बराबर, तो ऐसा करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, सबसे पहले कॉस 3π/2 प्लस एक्स, ठीक है, कॉस 2π प्लस एक्स, ब्रैकेट में है कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ जानेंगे कि 3π/2 होता कितना है, तो यहाँ पर चेक करते हैं 3π/2 है कितना, पाई की जगह 180 लिखा और ये आ गया 90, यानी 3π/2 की वैल्यू है 270, ठीक है, और ये पाई है, ये तो 360 होता ही है, तो आइए प्रश्न को करते हैं, यहीं पे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, कॉस 270 प्लस थीटा, 3π/2 की वैल्यू ये मैंने निकाली 270 है, 270 प्लस थीटा 90 जीरो है, 90 ये 180 है, 270 ही है, और लिखा गया 270 में जुड़ रहा है, यानी ये आएगा इस वाले में कॉस और सेक, लिखा है कॉस 270 प्लस थीटा, अब कॉस अपने ही घर में बैठा है 270 में, लेकिन 90 बदलता है 180 नहीं बदलता, लेकिन 270 बदलता है, 270 बदल जाता है तो कॉस बदलता है साइन में, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ही रहेगा क्योंकि तो कॉस कॉस के ही घर में बैठा है। अब कॉस 360 प्लस थीटा, क्योंकि 180 दूनी 360, कॉस 360 प्लस थीटा 90 बदलता 180 नहीं बदलता, 270 बदलता और 360 भी नहीं बदलता, 360 प्लस थीटा तो इसमें आ जाएगा, ये क्या है ऑल पॉजिटिव, ठीक है, 360 प्लस थीटा कॉस कॉस ही रहेगा, यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स, ये बात आपको समझ में आई। आगे चलते हैं, ये लिखा है कॉट के सामने लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कॉस 270 माइनस थीटा, अब 270 माइनस थीटा की बात चल रही है तो 180 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, 270 माइनस थीटा इसमें आएगा और इसमें कौन है टेन और कॉट, ठीक है ना, तो कॉट के घर में कॉट ही बैठा है तो कॉट 270 माइनस थीटा, अब 90 बदलता है और 270 बदलता है तो कॉट बदलता है टेन में टेन एक्स, और ये 360 प्लस थीटा है 360 प्लस थीटा, अब 360 प्लस थीटा में किसमें आएंगे, इसमें आएंगे ऑल पॉजिटिव में, 90 बदलता है 180 नहीं बदलता, 270 बदलता है 360 नहीं बदलता,
तो कॉट कॉट ही रहेगा और ऑल पॉजिटिव है, तो ऑल पॉजिटिव। ठीक है, मेरी बात आपके तक समझ में आ रही है? अभी आया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ब्रैकेट स्टार्ट, टेन एक्स को खोलेंगे, साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, और इसको खोलेंगे कॉस एक्स बट्टे साइन। ठीक है, अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम लेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, कॉस से कॉस कैंसिल होगा साइन बचेगा, और कॉस स्क्वायर। ठीक है, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, समझ में आ रही है आपको मेरी बात? साइन एक्स कॉस एक्स, और ये वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये वैल्यू आ गई बराबर आ रहे थे। ठीक है, आपको मेरी क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पर मैंने दसवां क्वेश्चन लिखा है, साइन एन प्लस एक्स साइन एन प्लस टू एक्स प्लस कॉस एन प्लस वन एक्स कॉस एन प्लस टू ब्रैकेट एक्स बराबर कॉस एक्स। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे तो इस तरह से नहीं लिखेंगे, पहले ये वाला पद लिखेंगे फिर इसके बाद ये लिखेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, फिर आप पूछ रहे होगे कैसा क्यों कर रहे हो, क्यों का भी जवाब मैं दूंगा। पहले लिखते हैं cos n plus 1 into x cos n plus 2 into x sin n plus 1 into x into sin n plus 2 into x। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर ने ऐसा क्यों किया, cos a cos b यानी n plus 1, ये देखो n प्लस वन इंटू एक्स और n प्लस वन इंटू एक्स के पास है, n प्लस टू इंटू एक्स n प्लस टू इंटू एक्स के पास है, तो इसको पूरे को मानते हैं, माना n प्लस वन इंटू एक्स कैपिटल A। ठीक है, और n प्लस टू इंटू एक्स बराबर कैपिटल, तो A ये हो गया, तो ये फॉर्मूला एक cos A cos B प्लस साइन ए और साइन बी, ये होता है, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको ये सारे फॉर्मूले तैयार करने पड़ेंगे। ये होता है कॉस ए माइनस बी का, पिछली वीडियो में मैंने प्लस का बताया था, यहाँ माइनस का आ गया। अब इसी तरीके से हम इसको करेंगे, तो कॉस ए ये रखा है, कॉस बी ये हो गया, साइन ए ये रखा है, साइन बी हो गया, मैं डायरेक्ट ये लिख दे रहा हूँ कॉस, अब ए की जगह क्या लिखेंगे, ये। ठीक है, माइनस यो, अब कॉस एन एक्स प्लस एक्स एन एक्स प्लस टू एक्स। ठीक है, कॉस एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस टू एक्स। ठीक, एन एक्स से मैंने एन एक्स काटा और ये बचा cos x माइनस टू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया cos माइनस एक्स यानी cos माइनस थीटा, और मैंने यहाँ लिखा था cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये आ गया cos x, और ये बराबर हो गया आर एच। मेरा प्रश्न आपको समझ में आ रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन मैं देखूंगा, फिर भी अगर आपकी कोई कमेंट बॉक्स प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ 11, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स बराबर माइनस रूट टू साइन एक्स। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे
कॉस 3y/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3y/5/4 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्लास 10th में ये फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस सी माइनस कॉस टी, ये होता है फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी। फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, अब इसे पूरे को सी मान लो और इस पूरे को डी मान लो। तो आइए देखते हैं, 2 cos c प्लस डी, ये हो गया c और ये हो गया d अपॉन 2। ठीक है, 2 cos c plus d cos वाले में साइन लिखेंगे यहाँ पर, 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी, तो d हमारा ये है 3y/4 d माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, चलिए 2 साइन इसको सॉल्व करेंगे तो ये x से x कट गया, 3π/4 डबल है तो ये 2 कर दे रहे, ठीक है, अपॉन 2 इंटू साइन 3π/4 माइनस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2, इससे ये कट गया। ठीक, ये आया 2 साइन, इससे ये काट दे रहा हूँ, ये आ गया 3π/4 इंटू साइन माइनस 2। ठीक, माइनस 2x अपॉन 2 2 साइन, अब 3π/4 पहले पता करो कितना होता है, 4 × 16 4 × 5 20 3 × 5 15 3 × 12 यानी 3π/4 की वैल्यू होती है 135 डिग्री। तो 135 को कैसे लिखेंगे, 90 + 45। ठीक है, इस 3π/4 की जगह कितना लिख लिया, 90 + 45, इस 2 से 2 काट दिया, साइन माइनस, तो ये हो गया 2 साइन 90 + θ 90 + θ, साइन का है 90 बदल जाता है तो साइन हो जाएगा कॉस 45 इंटू माइनस, इधर लगा दे रहा हूँ मैं साइन एक्स। ठीक है, और ये होता है माइनस 2 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 साइन। ठीक है, इधर कर दे रहा हूँ माइनस 2 अपॉन रूट 2, रूट 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे और साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस 2√2 अपॉन 2 साइन एक्स, 2 से 2 कट गया माइनस √2 साइन एक्स। ये अभी आ रहे हैं क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और ले रहा हूँ, एक 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, आगे की वीडियो में मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल साइन 2x साइन 10x। ठीक है, तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये होता है साइन a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में होता है साइन a माइनस b। ठीक है, मैं यहाँ पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा, साइन स्क्वायर 6x और साइन स्क्वायर 4x, फॉर्मूले को यूज करूंगा, फॉर्मूला यूज्ड, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर साइन a प्लस b और साइन a माइनस b।
ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, उठा के वैल्यूज में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस 4x, और ये हो जाएगा साइन 6x माइनस 4x, ये हो गया साइन 10x इंटू साइन 2x, यही तो लिखा है साइन 2x 10x, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, 2 का गुणा 3 में करो और 3 का गुणा 2 में करो, आना तो 6 ही है, साइन 2x इंटू साइन 10, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रहती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने इस मित्रों में मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और बातचीत करें और अच्छे से क्वेश्चन को करें जिससे आपको सफलता मिल चुके। मैं आपके लंबे भविष्य की कामना करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।